हमीरपुर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उपभोक्ता संरक्षण संगठन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने की। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उपभोक्ता संरक्षण संगठन के सभी सदस्य बैठक में मौजूद रहे। उपभोक्ता संरक्षण संगठन के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने बताया कि आज मासिक बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाली 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें स्मारिका का विमोचन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मारिका में लोगों को उपभोक्ता से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन को बस स्टैंड से फ्लाईओवर बनाने का सुझाव भी दिया है, ताकि आए दिन शहर में लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिल सके। उपभोक्ता संरक्षण संगठन की आज बैठक हुई। बैठक में एक तो सबसे बड़ा फैसला हमने ये लिया कि इस बार जो 15 मार्च का विश्व उपभोक्ता दिवस आ रहा है, उसमें हम लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे कि हर वर्ष हम लोग स्मारिका का विमोचन करते हैं, स्मारिका प्रकाशित करते हैं, उसका विमोचन करते हैं, तो हमने इस बार निर्णय लिया है कि 15 मार्च को हम स्मारिका प्रकाशित करेंगे और उसका विमोचन भी करेंगे। और इस प्रकार जो स्मारिका होती है, इसमें जो है वो उपभोक्ता मामलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। लोगों को उससे पता चलता है कि उनके अधिकार क्या हैं और उनको किस तरह से उनके उपभोक्ता अधिकारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बारे में वहां पे बहुत ही रुचिकर जानकारी और ज्ञानवर्धक जानकारी उस स्मारिका में दी जाती है। ये हमने अच्छा एक निर्णय लिया है, ताकि लोगों को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। आजकल चला है कि हमीरपुर बस स्टैंड के साथ जो लगे खोखे हैं, उनको बदलने के लिए जो है वो प्रशासन द्वारा एक मामला उठाया जा रहा है। तो इसके साथ ही हम उस मामले के साथ हम ये चाहते हैं कि जैसे ही वो फैसला लिया जाए, तो हम उपायुक्त महोदय से मांग करेंगे कि उसके साथ ही बस स्टैंड से फ्लाईओवर बनाने का जो हमने मामला पहले उठाया था, उसके ऊपर भी गौर किया जाए। और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ चले और मौके पर जाकर देखें कि उसको कहां से हम लोग जो है फ्लाईओवर बनाया जा सके, क्योंकि ये जो जितनी ट्रैफिक हमीरपुर में बढ़ चुकी है, तो उसमें जो है लोगों को रोड क्रॉस करना, बच्चों को, बुजुर्गों को रोड क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि वो बस स्टैंड से हम उसके दूसरी तरफ को फ्लाईओवर बनाया जाए, ताकि बाजार में लोगों को आने जाने के लिए सुविधा हो सके काफ़ी।